भाई अगर आप एक्शन मूवीज के फैन हो तो आपने जॉन विक फ्रेंचाइज के बारे में जरूर सुना होगा। अब भाई जॉन विक मूवीज जिस वजह से पॉपुलर है वो दो ही वजह है, पहली है कियानू रीव्स और उनके अंदर मार धाड़ एक्शन। तो भाई जॉन विक मूवीज की जो फैन फॉलोइंग है उन लोगों के लिए मैं 7 ऐसी मूवीज लेके आया हूँ जबरदस्त एक्शन से भरी हुई, जो आपको एक बार जरूर चेकआउट करनी चाहिए अगर अभी तक नहीं करी है। तो ये सारी हिंदी में अवेलेबल है और सबके अंदर थोड़ा थोड़ा 18+ कॉन्टेंट है, तो बेहतर रहेगा ये सब अकेले में देखो। अब जॉन विक मूवीज के अंदर जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है भाई उनकी कहानी है, इनकी कहानी कुछ ज्यादा खास होती नहीं है, एक रिवेंज की कहानी होती है, एक बंदा सबको मारे जा रहा है, बस यही स्टोरी होती है। लेकिन जो मैं मूवीज बताने वाला उनकी स्टोरी भी काफी अच्छी है, आपको टोटली एंगेज रखेगी, तो लिस्ट एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो चलो इंटर में ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की पहली मूवी है नोबडी और ये 2021 के अंदर आई थी। इस मूवी के अंदर दो चोर होते हैं जो कि एक बंदे के घर के अंदर चोरी करने जाते हैं, काफी एक आम सा बंदा होता है, काफी डिसेंट बंदा होता है जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी आराम से बिता रहा होता है। दोनों चोर चोरी करके चले जाते हैं लेकिन भाई उस आदमी की इज्जत अपने परिवार की नजर में काफी कम हो जाती है, उसका परिवार उसके ऊपर गुस्सा होता है, उसके पड़ोसी उसको धुतकार रहे होते हैं। अब बंदे का गुस्सा कहीं ना कहीं निकलना होता है, फिर जब उसका गुस्सा निकलना स्टार्ट होता भाई यकीन मानो जो मिलता है वो पिटता है। जबरदस्त मूवी एक बार जरूर देखना, प्राइम वीडियो पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी, बहुत ही फाड़ एक्शन है भाई, एक बार जरूर देखना अभी तक नहीं देखी है तो। अगली मूवी है हिटमैन एजेंट 47, ये 2015 में आई थी। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों उसका स्टोरी इतना ज्यादा खास है नहीं, बहुत एवरेज सी मूवी लगती है, बहुत सारे डायलॉग्स भी हैं एक्शन मूवी होने के हिसाब से, लेकिन मैं इस मूवी के जितना जितना भी एक्शन है जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है जो कि आपको स्क्रीन से वाला चिपका के रखेगा, बाबा इंतजार करोगे कि कब एक्शन सीन दोबारा आए। इसकी स्टोरी काफी सिंपल सी, एक हिटमैन होता है, एक असैसिन होता है, 47 उसका नाम होता है, वो एक लड़की के साथ पार्टनर अप करता है उसी की फैमिली से जुड़ी हुई एक मिस्ट्री सॉल्व करने में। अभी मिस्ट्री क्या है वो सॉल्व होती है नहीं होती वो तो भाई मूवी देख के जानो, लेकिन उसकी मिस्ट्री सॉल्व करते हुए बीच में बहुत सारी रुकावटें आती हैं और उन रुकावटों के दौरान मूवी के अंदर भर भर के एक्शन आता है। तो इसको एक बार देखना, कंसीडर कर सकते हो, एक मस्ट वॉच तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक टाइम पास के लिए बढ़िया मूवी है, आपको अच्छा टाइम पास कराएगी, एक्शन सीन मस्त है इस मूवी के अंदर, स्टोरी एवरेज सी है। अब बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, फर्स्ट मूवी का नाम है केट, ये 2021 के अंदर आई थी। इस मूवी की कहानी भी एक असैसिन के अराउंड घूमती है, एक लड़की होती है जो कि लोगों को मर्डर करती है, एक प्रोफेशनल काम होता है उसका, लेकिन एक मिशन के दौरान उसको जहर दे दिया जाता है, उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अब वो ये ठान लेती है कि 24 घंटे में उसकी मौत तो पक्की है, लेकिन अपने मरने से पहले उसको मार देगी जिसने उसको जहर दिया है। अभी उसका पता लगाती है और उसको रास्ते में जितने भी लोग आते हैं सबको मार जाती है। भाई जबरदस्त एक्शन लगता है इस मूवी के अंदर और इसकी सिनेमाटोग्राफी भी बहुत खूबसूरत है, साथ ही फीमेल लेड एक्शन मूवी जो होती है उनके अंदर कुछ ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिलती है, जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, लड़कियों पर थोड़ा ज्यादा अच्छी लगती है फाइटिंग सीक्वेंसेस। तो ये मूवी देखना जरूर कंसीडर करना, नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जबरदस्त मजा आएगा आपको उस मूवी के दौरान। आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ और ये एक मूवी नहीं है, मूवीज की ट्रिलॉजी है, ट्रिलॉजी का नाम है टेकन, ये पहला पार्ट इसका 2008 में आया था, दूसरा पार्ट 2012 में, तीसरा पार्ट 2014 में। और इस मूवी के अंदर जो लियाम नीसन ने एक्टिंग करी है, जो एक्शन करा भाई जबरदस्त, मतलब टॉप नॉच का एक्शन कह सकते हो आप उसे, इसके अंदर एक्शन तो भाई भर भर के है ही, इसके अंदर जबरदस्त थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आपको। भाई ये मूवी देखते हुए आपकी धड़कनें बार बार तेज हो जाएंगी और आपका दिमाग बार बार ये सोचेगा कि अब क्या होगा अब क्या होगा, इस तरीके का जबरदस्त थ्रिल एक्सपीरियंस कराती है मूवी। कहानी बहुत सिंपल सी, एक फादर होता है उसकी बेटी किडनैप कर ली जाती है, अब बाप भाई किसी भी हद तक जाने के लिए राजी है अपनी बेटी को बचाने के लिए, भाई वो जिस हद तक जाने के लिए राजी है मतलब वो चीज़ भाई बहुत ही रोंगटे खड़े कर देते भाई उस सीन ने, मतलब वो बंदा किसी भी हद तक जाने के लिए राजी है, उसको बस अपनी बेटी चाहिए, बेटी सुरक्षित चाहिए। फिलहाल किसी OTT पर नहीं मिलेगी तो आपको इंटरनेट पर ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगली मूवी है द रेड रिडेम्पशन, ये 2011 में आई थी भाई, इसके अंदर भी आपको जबरदस्त मतलब टॉप लेवल की हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलेंगी। अगर आप हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने के लिए कोई मूवी ढूंढ रहे हो तो ये मूवी जरूर देखो। इस मूवी का वैसे सेकंड पार्ट भी है लेकिन सेकंड पार्ट में ना स्टोरी पर ज्यादा फोकस कर दिया, इस मूवी के पहले पार्ट के अंदर एक्शन पर ज्यादा फोकस, थोड़ी सी सटल कहानी भी चलती है लेकिन एक्शन पर ज्यादा फोकस होने की वजह से फर्स्ट पार्ट ज्यादा ब्रूटल लगता है, ज्यादा मजेदार लगता है। थोड़ा कहानी का ओवरव्यू देती हूं, एक स्वाट टीम होती है जो कि एक मिशन पर जाती है एक बिल्डिंग के अंदर, उनको एक क्रिमिनल को पकड़ना होता है, और वो क्रिमिनल होता है बिल्डिंग के टॉप पर बैठा होता है, इन लोगों को धीरे धीरे पूरे रास्ते चढ़ के जाना होता है, लेकिन पूरी जो बिल्डिंग है क्रिमिनल से भरी पड़ी है और पूरी स्वाट टीम को मारने के लिए बिल्कुल तैयार है हथियारों के साथ। अब पुलिस वालों की जो टीम है वो टॉप पे उस क्रिमिनल तक पहुंच पाती है या नहीं इस मूवी को देख के जानो, ये आप फ्री में देख सकते हो, हिंदी में अवेलेबल है MX प्लेयर के ऊपर। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ और अगली मूवी है कार्टर, ये 2022 की मूवी है। और भाई इस मूवी को देखते हुए तो आपके सही में सांसें थकने लग जाएंगी कि भाई बंदा कितना मारेगा, थक क्यों नहीं रहा ये बंदा, इतनी बुरी तरह से मारता है लोगों को, अब मार ही जा रहा है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक बंदे की कहानी से जो कि एक दिन आंख खुलता है, उसको अपनी पुरानी मेमोरी बिल्कुल भी याद नहीं होती, उसके कान के अंदर एक चिप लगी होती है जो कि उसको इंस्ट्रक्शन दे रही होती है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसको फॉलो करता है, उसको फॉलो करने के दौरान उसको बहुत लोगों को मारना पड़ता है। अब क्योंकि भाई उस बंदे के पास अपनी मेमोरी वगैरह कुछ नहीं है तो वो इस मूवी के दौरान खुद पहचान करने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन है, उसका मिशन क्या है, वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है और किस चक्कर में पड़ा हुआ है। तो आपको जाना तो ये मूवी देखो, आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी, जबरदस्त मूवी है, फाड़ एक्शन है, आपको मतलब टॉप लेवल
करके स्क्रीन से चुपका के रखेगा तो जरूर देखना। अब भाई मैंने आज की बेस्ट मूवी लास्ट के लिए बचा के रखी है। मूवी का नाम है एक्सट्रैक्शन। ये 2020 में आई थी और भाई क्रिस हेम्सवर्थ की मूवी है। मतलब क्या ही वजह चाहिए और तुमको देखने के लिए। इस मूवी के अंदर हेम्सवर्थ एक टायलर नाम के बंदे का रोल निभा रहा होता है। उसको एक मिशन मिलता है और उस मिशन के दौरान उसको एक बच्चे को बचा के लाना होता है गैंगस्टर के मुंह से अपने परिवार तक, मतलब उस बच्चे के परिवार तक, अपने परिवार तक नहीं। तो भाई उसके इलाके में घुसने से लेकर उसके बच्चे को बचाने से लेकर उसको घर तक पहुंचाने तक भाई क्या फाड़ एक्शन है इस मूवी के। मतलब मार धाड़, घुसा पट्टी, गोलियां बारी, भाई भर भर के एक्शन है इस मूवी के अंदर। भाई मूवी करीब 15-20 मिनट लेती है गर्म होने के बाद, लेकिन गर्म होने के बाद जो स्टार्ट होती है भाई ठंडी होती ही नहीं है। एंड तक आपकी नजरें बिल्कुल स्क्रीन से चुपका के रखेगी। एक बार जरूर देखना, आपको अभी तक नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। बस देखो भाई ये वाली मूवी जरूर देखो, बाकी भी देखो लेकिन ये वाली जरूर देखना, मस्ट वॉच है भाई ये वाली सही में। तो भाई ये कुछ मूवीज थी जो मैं इस वीडियो के दौरान आपको रिकमेंड करना चाहता था। अगर कोई नहीं देखी है या फिर सारी देखे तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अभी की वीडियो में ये पे खत्म करता हूँ। दिस इज शिरोमणि साइनिंग ऑफ।